मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को इटपाल स्थित बीजापुर गारमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में चल रहे कपड़ा निर्माण के कार्यों का निरीक्षण भी किया और यहां कार्यरत महिलाओं से बात की। श्री बघेल ने फैक्ट्री से हरी झंडी दिखाकर बाजार के लिए तैयार उत्पादों की पहली खेप को रवाना भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने की। साथियों, प्यारे बच्चों और साथ ही बहुत सारे, मैं सड़क में देख रहा था, इतना इतने सारे ढोल लेके आ रहे थे। कोई छोटा ढोल लेके आ रहा है, कोई तो लंबा वाला ढोल, कोई बहुत बड़ा वाला ढोल, सब बजाते नाचते गाते आ रहे थे, सभी हमारे ढोलक बजाने वाले साथियों और पत्रकार मित्रों। आज बीजापुर जिले में बहुत सारे लोकार्पण, लगभग 457 करोड़ के 209 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामना। 5 साल पहले विक्रम, ये लोग कभी बुलाते थे मुझे तो सड़क मार्ग में आने से पहले कार्यक्रम भाषण देते थे तो धीरे से कुर्ता खींचते थे, भैया जल्दी खत्म करो, वापस जाना है। आज बीजापुर बदल रहा है, बीजापुर में बदलाव आया है, बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। पहले लोगों को नक्सली बता के या तो इनकाउंटर में मार दिए जाते थे या जेल में ठूस दिए जाते थे। आज परिस्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। 7-7 कैंप खुले हैं जो इसके पहले कभी इतने कैंप खुले नहीं थे। इतनी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बना था। इतने मोटरसाइकिल खरीदे गए हैं जो पहले नहीं था। 1000 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए थे जो इसके पहले कभी नहीं था। आज खेती किसानी में इस प्रकार की बात करते हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। इसी जिले में 6 करोड़ से अधिक की राशि के गोबर बेचे हैं, वर्मी जो समूह हैं उनको 1 करोड़ से अधिक की राशि के लाभ उनको मिला है। बहुत सारी चीजें हैं, बात करूंगा बहुत लंबा होगा, लेकिन पैसा कानून बना 1996 से, 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार थी लेकिन लागू नहीं कर पाए। ये आपकी सरकार है, पैसा कानून भी, नियम भी हमने बनाए और लागू भी हमने किया। तो आदरणीय साथियों, इस प्रकार से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा हम लोग लगातार उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं और वहां 8000 क्लिनिक योजना भी शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से आज बहुत सारे अस्पतालों के लोकार्पण भी हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़, नैलेसनार, गंगालूर, भोपालपट्टनम, आवापल्ली में भी अब मॉडल मर्चुरी का भी लोकार्पण हुआ है। 63 जो स्कूल है, जो भवन भी नहीं है, उसका भी लोकार्पण हमने किया है। आज आप सबसे कह सकता हूं कि आप जब 5 साल पहले कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया था, हम लोगों को सत्ता की चाबी आप सौंपी थी, तो ये चाबी है छत्तीसगढ़ सरकार की, खजाने की चाबी आपने दी थी, उसे आम जनता में पहुंचाने का, किसानों में मजदूर बनाने का काम, रोजगार आपको दिलाने का काम, स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। ये बच्चों में अभी मैं देख रहा था, फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे थे, पोयम सुना रहे थे मुझे बच्चे, जो स्कूल कभी बंद थे, कभी नक्सलियों की गोलियों का आवाज और गोला बारूद की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां के बच्चे हिंदी में गीत गा रहे हैं, अंग्रेजी में पोयम बोल रहे हैं और सोलर लाइट से जो हमारे सोलर से बिजली लेकर स्कूल में पढ़ाई भी करा रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था लगातार की जा रही है। कुछ मांग अभी की गई है, मैं सबसे पहले किसानों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है, तो